जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में टिप टॉप में। तो आज की क्लास यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो को शेयर करना है, ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और एक बार शेयर कर दें वीडियो को, और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अंकुर व्यास जी, जागृति जी, दिनेश जी, दीपू जी, मुस्कान खान जी, तो देखिए आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है। युक्ति है तो वह कौन सी युक्ति है, यह बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो चार विकल्प दिए हैं आपके सामने, तो सभी लोग आंसर बताएंगे, और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। जो भी ज्वाइन मेंबर बनता है उनके लिए एक ज्वाइन ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, और वहां पर आपके लिए पीडीएफ और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, यहाँ पर सही आंसर होगा विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर, याद रखिए विकल्प नंबर सी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो है अपने यहाँ पर, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? क्वेश्चन नंबर दो, तो बताइए क्वेश्चन नंबर दो का सही आंसर, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर दो है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है। क्वेश्चन नंबर दो का, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। डी बिल्कुल सही, दिनेश जी, विनोद जी, डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। डी याद रखिए, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। किसी चालक या प्रतिरोधक का प्रतिरोध मापने वाली यंत्र को ओम मीटर कहते हैं, ओम मापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है, क्या है? प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशक हो कहलाती है। प्रकाश किरण जो पुंज हो अत्यंत दिशक हो कहलाती है, वह क्या कहलाती है यह बताना है। चार विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन नंबर तीन है, सभी लोग आंसर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन। शिवराज जी, पुष्पलता जी, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, क्या है? डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। लेजर यहाँ पर होगा, लेजर, हाँ जागृति जी बिल्कुल सही, लाइव है यहाँ पर एक क्लास, और डी आपके यहाँ पर राइट आंसर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो लेजर कहलाती है, क्या कहलाती है? लेजर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, लेजर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो बताइए कौन करता है? चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, और रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर चार, और चार विकल्प दिए गए हैं, तो क्या होगा इसका सही आंसर यह बताना है। तो सभी लोग बताएंगे क्या है इसका सही आंसर, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर है उपरोक्त सभी, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी याद रखिए, डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। हाँ जोगा सिंह जी, तो सभी लोग यहाँ पर आंसर बताते जाएंगे। देखिए रेडियो धर्मी पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से अल्फा कण के निकलने पर उसके परमाणु क्रमांक दो एवं परमाणु भार में चार की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पांच, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर सभी लोग बताएंगे, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक क्रिया से, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। तो क्वेश्चन नंबर पांच है यहाँ पर, क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर पांच, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं?
तो यहाँ पर जो सही आंसर है मुस्कान खान जी वह है आपका विकल्प नंबर एक, यहाँ पर राइट आंसर है, जिन्होंने ये विकल्प नंबर एक बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही एक आपका सही आंसर है। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं और तारे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाते हैं, इसका परिणाम यह है कि उनका तापमान बढ़ जाता है और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें मुख्य हाइड्रोजन गैस होती है जो निरंतर क्रोड में आकर हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। अगला क्वेश्चन है तड़ित चालक के आविष्कार कौन है, तो बताइए तड़ित चालक जो इसके आविष्कारक बताना है तो कौन है। चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जागृति जी, दीपू जी, विनोद जी, मुस्कान खान जी। और क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सही आंसर है वह विकल्प नंबर क्या है, सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ पर बेंजामिन लिखा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। तड़क चालक के आविष्कारक है, देखिए तड़क चालक के जो आविष्कार हैं आविष्कारक हैं वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़क चालक एक धातु की चालक जड़ होती है जिसे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर देखिए कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया है क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी लोग आंसर बताएंगे। जोगा सिंह जी, तो क्या है इसका सही आंसर, मीनू जी, और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वह विकल्प नंबर 1 यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन, यह आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, बिल्कुल सही यहां पर राइट आंसर होगा अंजू जी विकल्प नंबर 1। देखिए यह आमतौर से थॉमस एल्वा एडिसन को बल्ब का आविष्कार माना जाता है, हालांकि इसमें मतभेद और विवाद भी है। कुछ लोगों का ये विचार है कि एडिसन ने सिर्फ उसकी संकल्पना और परिकल्पना की थी और असल में इसका आविष्कार अन्य वैज्ञानिक हैं, तो इसका जो है थोड़ी सा मतभेद और विवाद है इसमें। अगला क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता, तो जो मापने वाला यंत्र है वह कौन सा है यह बताना है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर चार विकल्प दिए, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, ऑडोमीटर। तो इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि हाइग्रोमीटर, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1, जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है बिल्कुल सही तमन्ना जी, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। याद रखिए वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों को आर्द्रतामापी या हाइग्रोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, डायनेमो, हीटर, मोटर, बैटरी। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर अपना यहां पर 9 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है यह बताना है, तो अंकुर जी, सुरपाल जी, क्या है इसका सही आंसर, सभी लोग बताएंगे। शिवराज जी, तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि बैटरी, बैटरी आपका यहां पर राइट आंसर है बिल्कुल सही, बैटरी आपका यहां पर सही आंसर होगा। देखिए बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह भी आपके लिए याद रखना है, और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रेडियो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो जो रेडियो है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो किसके द्वारा सबसे पहले अवलोकित किया गया, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर
क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अपना 10 यहाँ पर, रानी जी, जोगा जी, दिनेश जी, इसका जी, और इसका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि आर स्टेट द्वारा, आर स्टेट द्वारा विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। याद रखिए विकल्प नंबर बी। देखिए क्या है यहाँ पर, 1810 ईस्वी में और स्टेट जो है टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया। इन्होंने बताया कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का मापक जो मात्रक है वह कौन क्या है, तो गॉस, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए पास्कल इकाई है, तो अरविंद जी हाँ, यह जो क्लास है लाइव चल रही है और इसका आंसर क्या है सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 11 है यहाँ पर, पास्कल इकाई है, तो क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पास्कल इकाई आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की, तो चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है, तो सभी लोग बताएंगे। हाँ, तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि दाब, दाब आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। दाब जिन्होंने भी बताया है भाई आपका सही आंसर है, जोगा जी, जोगा सिंह जी। हाँ, तो देखिए पास्कल दबाव की एसआई व्युत्पन्न इकाई है, इसके साथ ही स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस और तनाव स्ट्रेट को भी यही इकाई की भी यही इकाई है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि फ्लांक के अचर में यह किसका आयाम होता है, क्वेश्चन नंबर 12 है यह, और इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि कोणीय गति, कोणीय गति आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, या अगला विकल्प है ऊपर या नीचे होगा या उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है, होगा या उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वह विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही दिनेश जी, विनोद जी, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रदीप जी, मुस्कान जी, जिन्होंने भी बी बताया, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, विकल्प नंबर बी यानी कि आपका राइट आंसर है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जो जहाज का स्तर होता है वह थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, नहीं है बताना है, तो किसमें नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा या खींचा हुआ धनुष, तो चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है इसका सही आंसर। दीपू जी, जासमिन जी, अंजू जी, रानी जी, जासमिन खान जी, और इसका सही आंसर बताना है, क्या है इसका राइट आंसर। निम्न में ऐसे किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रदीप जी, डी में क्या है, खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ धनुष यह आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्या है, एक कण का द्रव्यमान एम तथा संवेग पी है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी यह बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सभी लोग आंसर बताएंगे। चार विकल्प दिए गए हैं और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वह सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग, ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर अवश्य कर दें। तो यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का वह विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा, चार विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने यहाँ पर, संध्या सेन जी, जासमिन जी, अंजू जी, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का, वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि स्थित ऊर्जा आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्या है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है स्याही की श्यानता या कोशिकीय अभिक्रिया परिघटन, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटन या ब्लास्टिंग से होकर स्याही का विसरण या साइफन क्रिया। तो इस प्रकार चार विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, और 17 का यहाँ पर जो राइट आंसर है भाई क्या है, नील चौधरी जी, मुस्कान जी और प्रदीप जी, तो यहाँ पर सही आंसर है क्या है इसका राइट आंसर, विकल्प नंबर बी, क्वेश्चन विकल्प नंबर बी राइट आंसर है राहुल जी, क्या है केश की अभिक्रिया परिघटना है आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, थर्मोकपल द्वारा खालिस्तान द्वारा बनाया जाता है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है बताइए, थर्मोकपल जो है खालिस्तान द्वारा बनाया जाता है, दो अधातुओं या दो एक सदृश्य धातुओं या दो अदृश्य धातुओं या इनमें से कोई नहीं, चार विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इसका राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है, शिवराज जी, अंजू जी, रानी जी, जासमिन जी, दीपू जी, सभी लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर, अंकुर व्यास जी, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि दो अदृश्य धातुओं, ए आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, याद रखिए विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, विनोद जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, बताइए क्या है इसका सही आंसर कि ऊनी कपड़े, क्वेश्चन नंबर 19 अपना, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं या सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, 19 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर, सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 19 से अपना, और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वह विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी यानी कि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, यह जिन्होंने ही बताया विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने डी बताया, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़ों के बीच में हवा होती है जो ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है, इसलिए ऊनी कपड़े ज्यादा गर्म होते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह, बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह कला और खुरदरा या काला और मसरण या सफेद और खुरदरा या अफेद या मसरण, तो इस प्रकार चार विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर सही आंसर है क्या है, विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक यानी कि कला और खुरदरा यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं, इसके द्वारा संबंधित हैं, क्वेश्चन नंबर 21 किसके द्वारा संबंधित हैं यह बताना है, तो क्या है इसका सही आंसर सभी लोग बताएंगे, जागृति जी, प्रदीप जी, संध्या सेन जी, शिवराज जी, दीपू जी, मुस्कान जी, जासमिन जी, बंधु ठाकुर जी, तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का, और 21 का आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर एक, बिल्कुल सही, एक में आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, जिन्होंने बताया है ए उनका राइट आंसर है, सी पी माइनस सी बी बराबर आर बटे जे जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, सोनार अधिकांशता प्रयोग में लाया जाता है, सोनार जो होता है यह अधिकांशता प्रयोग में लाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, क्या होगा इसका सही आंसर सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा या डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालनों द्वारा, तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं,
क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर डी यानी कि नौ संचालनों द्वारा आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है दिनेश जी। सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, सभी लोग बताएंगे किस प्रकार की तरंग है प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है इसका सही आंसर, सभी लोग बताएं अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, तो सभी लोग बताएंगे दीपू जी, महेंद्र जी, साहब सिंह जी, क्या है इसका सही आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर है सरदार रावत जी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर एक यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। बिल्कुल सही, जिन्होंने विकल्प नंबर एक बताया उनका राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंग आपका सही आंसर है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन यानी कि माध्यम के कण जिसके दोलन तरंगे संचरण की दिशा की लंबत होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है अपना, इसका क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे रानी जी, शारदा जी, क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 और यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है यह बताना है। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी यहाँ पर जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकर लेंस और एक नेत्राक, यह आपका सही आंसर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है तो कितनी होती है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सभी लोग आंसर बताएंगे किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल जो दर्पण होता है इसकी न्यूनतम ऊंचाई बताना है। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की एक चौथाई या व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 का राइट आंसर बताना है क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। और इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी यह आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है, चार विकल्प दिए गए हैं कार्निया से, नेत्रतारा से, रेटिना से, लेंस से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग आंसर बताएंगे, प्रदीप जी, संध्या जी, रानी जी, जासमिन जी, जागृति जी, मुस्कान जी और मिला जी। तो इसका जो सही आंसर है वह है क्या है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि रेटिना, रेटिना बिल्कुल सही जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर सी उनका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है विनोद जी। देखिए रेटिना झिल्ली प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं रखती है जो विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है यह बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का अवतल लेंस जो है यह हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब या लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो इस प्रकार चार विकल्प दिए हैं और क्वेश्चन नंबर अपना 27 यहाँ पर, तो 27 के यहाँ पर जो राइट आंसर है वह बताना है क्या है, तो 27 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब आपका विकल्प नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है, बी आपका सही आंसर होगा। देखिए अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा और छोटा आकार का होता है, प्रतिबिंब लेंस के फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच बनता है। अगला क्वेश्चन है पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है
तो क्या है इसकी वास्तविक गहराई के बराबर, इसकी वास्तविक गहराई से कम, या इसकी वास्तविक गहराई से अधिक, या ए और सी में कोई? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 है अपना, यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28, हाँ पवन जी बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए अब क्या है इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, इसकी वास्तविक गहराई से कम, इसकी वास्तविक गहराई से कम ए आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। दिनेश जी बिल्कुल सही बताया आपने, जासमिन जी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, और जो भी चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जितने भी लोग यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और क्वेश्चन नंबर 28 है इसका सही आंसर है बी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। तीन प्लान है, सिल्वर प्लान आपका 29 का है, और गोल्ड प्लान है 59 रुपये का, और डायमंड जो प्लान है 119 रुपये का। तो इनमें से आप जो सही प्लान खरीदना चाहते हैं तो वह खरीद सकते हैं और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। और आपके लिए जो भी चैनल का ज्वाइन मेंबर बनता है उसके लिए ज्वाइन ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, और उसको ऐड कर दिया जाता है, और उसके बाद आपके लिए वहीं पर पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। संध्या सेन जी, रानी जी और रानी जी, गीतांजलि जी, जासमिन खान जी, बंधु जी, शिवराज जी, राहुल जी, दीपू जी, दिनेश जी, तो सभी लोगों के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।